प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास 4 हिंदी के पाठ 15 सुनीता की पहिया कुर्सी नामक पाठ से एक वर्कशीट तैयार की है। बच्चों, इस कार्य पत्रक में दिए गए सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। आप सही उत्तर का चयन कर दिए गए स्थान पर उत्तर लिखें। प्रश्न: सुनीता कितने बजे सोकर उठी? ए 10 बजे, बी 7 बजे, सी 9 बजे, डी 8 बजे। बच्चों, इन चारों में से जो भी उत्तर सही है उसका चयन कर नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। क्वेश्चन 2: सुनीता खुश क्यों थी? ए वह स्कूल जाने वाली थी, बी वह बाजार जाने वाली थी, सी वह मंदिर जाने वाली थी, डी वह खेलने जाने वाली थी। बच्चों, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। थर्ड, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा? ए 1 किलो मैदा, बी 1 किलो दाल, सी 1 किलो चीनी, डी 1 किलो चावल। इन चारों में से सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। 4, सुनीता चलने के लिए किसकी मदद लेती थी? ए अपने सहेली की मदद लेती थी, बी पहिया कुर्सी की मदद लेती थी, सी अपने माँ की मदद लेती थी, और डी किसी की मदद नहीं लेती थी। बच्चों, सही उत्तर का चयन कर तुरंत अपना विकल्प लिखें। 5, सुनीता क्या सोच रही थी? ए आज उसे क्या क्या काम करने हैं, बी आज उसे क्या क्या सामान लाने हैं, सी आज किस दोस्त के यहाँ जाना है, डी आज उसे दिन भर सोना है। इन चारों में से पाठ के आधार पर जो सही उत्तर है उसको आप लिखें। 6, सुनीता किसके साथ बाजार जाने वाली थी? ए माँ के साथ जाने वाली थी, बी दोस्त के साथ जाने वाली थी, सी अकेले जाना चाहती थी, डी पड़ोसी के साथ जाने वाली थी। सही उत्तर का चयन कर लिखें। 7, सुनीता को क्या देखने में मजा आता है? ए बाजार की जिंदगी, बी सड़क की जिंदगी, सी लोगों की जिंदगी, डी खेलते हुए बच्चे। बच्चों, इन चारों में से जो उत्तर सही है उसका चयन कर नीचे दिए गए स्थान पर लिखें और आगे बढ़ें। 8, माँ ने नाश्ता कहाँ लगा दिया था? ए मेज पर, बी कुर्सी पर, सी बेड पर, डी सोफे पर। बच्चों, सही उत्तर का चयन कर उत्तर के स्थान पर अपना ऑप्शन लिखें और आगे बढ़ें। 9, बच्चे छोटू छोटू कहकर किसे चिढ़ा रहे थे? ए सुनीता को, बी अमित को, सी फरीदा को, डी बच्चे को। बच्चों, आपने पुस्तक पढ़ी है और पाठ के आधार पर सही उत्तर का चयन कर दिए गए स्थान पर तुरंत उत्तर लिखें। 10, सुनीता को किसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा? ए फरीदा का, बी अमित का, सी फरीदा की माँ का, डी सुनीता की दोस्त का। बच्चों, आपके सामने 4 विकल्प हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए स्थान पर अपने उत्तर को तुरंत लिखें।
11. सुनीता की मदद किसने की? ए. दुकानदार ने, बी. अमित ने, सी. फरीदा की माँ ने, डी. फरीदा ने. बच्चों सही उत्तर को तुरंत लिखें, आपके पास समय सीमित है और आगे बढ़ें. 12. सुनीता के लिए कौन कौन से कार्य कठिन थे या कौन से कार्य करना कठिन था? ए. कपड़े पहनना, जूते पहनना, बी. स्कूल जाना, पढ़ना, सी. नहाना, कपड़े धोना, डी. खेलना, कूदना. बच्चों इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको आप लिखें. 13. बाजार जाते समय माँ ने सुनीता को क्या दिया? बच्चों जब सुनीता बाजार जा रही थी तो उसकी माँ ने उसको क्या दिया था? ए. फोन, बी. झोला व रुपए, सी. खाना, डी. थैला. बच्चों इन चारों में से जो सही है उसको आप लिखें. 14. जिस दिन सुनीता बाजार जा रही थी उस दिन क्या था? ए. विवाह था, बी. पूजा थी, सी. महोत्सव था, डी. छुट्टी थी. इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कर दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें. 15. खेल के मैदान में उसे क्या दिखा? बच्चों जब सुनीता जा रही थी तो उसने खेल के मैदान में क्या देखा? ए. आदमी, बी. जानवर, सी. पक्षी, डी. बच्चे. इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कर दिए गए स्थान पर लिखें. बच्चों आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए थे, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने सही विकल्प भर दिया होगा. अब आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको आंसर शीट दे रहा हूँ, आप अपने दिए गए विकल्पों को इससे मिलान कर लें और यह सुनिश्चित करें कि आपको 15 में से कितने अंक प्राप्त हुए. बच्चों उत्तर इस प्रकार से हैं: फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, फोर का बी, फाइव का बी, सिक्स का सी, सेवन का बी, एट का ए, नाइन का बी, टेन का सी, एलेवन का बी, ट्वेल्व का ए, थर्टीन का बी, फोर्टीन का डी और फिफ्टीन का डी. बच्चों निश्चित तौर पर आपने अपने उत्तरों का मिलान कर लिया होगा. ये वर्कशीट बच्चों आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें. बच्चों आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.